जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हूँ और मैं हूँ समी रंजा और आप देख रहे हैं समीर रंजा समी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। फ्रेंड्स, बस अपनी कोशिश ही है कि डेली एक व्लॉग दूँ, कुछ गेम्स दूँ, तो बाकी आप सब फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए। तो अभी बस रेडी हो चुके हैं और बस कॉलोनी के अंदर थोड़ा सा चहलकदमी कर रहे हैं। बस अभी अब जाएंगे नाश्ता लेने। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने घर के बाद जो है बहुत प्यारा बगीचा बनाया है और कुछ फल के पौधे लगाए हैं, वो भी अब कुछ बड़े। बाइक साफ कर रहे हैं तो जाते हैं नाश्ता लेने। नाश्ता ला कर फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने ऑफिस नाश्ता करके। तो बस अपनी डेली की जो है रूटीन वो मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। तो बाकी हम बस निकलते हैं जी फ्रेंड्स। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए। एक बात ये करना चाहता था, ये जो हेलमेट है ये बहुत जरूरी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। 3-4 दिन पहले मेरा इतना एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ने मुझे बचा लिया इस हेलमेट। बस अभी गाड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि फैमिली जा रही है, हमारे एक अजीज हैं, मेरी वालद साहब और वालदा की मामी उनकी डेथ हो गई थी कुछ देर पहले, तो आज उनका खत्म चेलम है, तो फैमिली उधर जा रही है अबू के साथ। तो बस मैं गाड़ी निकाल के लेके गाड़ी निकाल के अबू को दूंगा, तो फिर मैं खुद बस से थोड़ी देर में नाश्ता करके भी निकल जाऊँगा क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया और अभी टाइम आ रही है, मेरी गाड़ी रुकी पड़ी है। तो बस अभी थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। आज बहुत लेट हो गए हम, आज उठा ही लेट था क्योंकि सैटरडे था जी। तो फ्रेंड्स आ जाइए, नाश्ता रेडी हो चुका है क्योंकि मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। बस ये सुबह सुबह ये लर्दी के बगैर अंडे ही खाता हूँ, तो साथ के दूध का गिलास के लिए। अगर आप सब ने नाश्ता करना है तो आ जाइए, ये दूध का गिलास भी आ गया, कप भी आ गया। तो नाश्ता हमने कर लिया है तो अभी अगर हम निकल रहे हैं ऑफिस की तरफ। ये बस कुछ जिम का सामान होता है मेरे पास डेली, वो साथ में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे ऑफिस में ही चेंज करें तो कुछ शाम को जिम में चले जाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर ऑफिस पहुँच के मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस, तो बस ऑफिस जा कर बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो बस कुछ काम है वो करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी कुछ। आज वैसे संडे है, संडे को इतना काम नहीं होता, तो बाकी साथ साथ आपके साथ भी रहेंगे हम। बाहर तैयारी नुकसान हो गया, ये सिस्टम की एलसीडी नहीं चल रही, तो
अभी 10-7 करोड़ इसके डॉक्टर को आप लेके जाएंगे, चेक करवा के क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से भी कह दो। तो मैंने अपने जो निदान है वो सारे चेक किए हैं, लेकिन फिर भी बेचारे इसको जाकर चेक करवाते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं कह दी। फिर इंशाल्लाह आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, पहले आज देर हो गई थी तो इंशाल्लाह चेक करवा के हमारे कंप्यूटर की LCD खराब हो गई थी सिस्टम की, तो वो बस दिखाने जा रहे हैं। ये दिलदार भाई हमारे हैं, ये हमारे दिलदार भाई हैं, यहाँ पे होते हैं ये हमारे पास, तो बहुत नाइस बंदे हैं। बस इनके ये और मैं खराब दिन होते हैं। हाँ जी दिलदार भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो हम आए थे LCD दिखाने, तो LCD चेंज करके दी थी, उसने कहा मैं वो चेक कर लूँगा। तो अभी हम अपना सूट उठाने आए हैं एम्बेड डिज़ाइनर से, तो आज देखते हैं आज ये हमें गेड़ा करवाते हैं कि क्या करते हैं। तो उम्मीद तो नहीं, अहमद भाई तो यहाँ बैठे नहीं हैं, तो यहाँ पे उनका वर्कर बैठा हुआ है, ये है हमारे भाई। यार अपना नाम बताइएगा ज़रा मेरे व्यूअर्स को। मोहम्मद इकराम है। मोहम्मद इकराम भाई मेरा सूट हो गया है जो भाई आपने वो कढ़ाई करवानी थी जिसकी, वो अहमद भाई को पता होगा इसके बारे। यार ये इनका बस रोज़ का यही है, अहमद भाई को पता होगा, इकराम को पता होगा, वो कढ़ाई वाले को पता होगा, लेकिन बेस्ट सिलाई है इनकी एमए डिज़ाइनर की। ये इनके मैं देख रहा हूँ ये मोनोग्राम है इनका एमए डिज़ाइनर, ये मेरे कज़न की दुकान है, मेरा चाचू का बेटा है, और भी हमारे बहुत रिश्ते बनते हैं, वो फिर आप कभी अहमद भाई पास होंगे तो फिर बताऊँगा। तो चलो अहमद भाई को हम कॉल करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। जी तो अभी बट घर वाले चले गए वैसे जलेसरा की तरफ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि घर जलेसरा होते जा रहे हैं, तो मुझे भी अभी कॉल आ गया उधर से, मैं भी अभी उधर ही जा रहा हूँ, तो इच्छा था फिर आपको आसानी होगी, आसानी होगी इच्छा था आप उधर जा सकते फिर आपको मिलते हैं। हम आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि LCD खराब हो गई, तो उसने भी मुझे ना LCD चेंज कर दी थी, उसने कहा मैं उसको चेक कर लेता हूँ, आप तब तक अपना काम चलाओ, तो फिर इंशाल्लाह वो कल तक आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो हम अपना काम चलाते हैं उससे, तो अभी इसको हम इसके साथ तारे वगैरह लगाते हैं, तारे वगैरह लगा के इसको चलाते हैं। जी तो अभी बस मैं रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए, तो बस ऑफिस से निकलने लगा, देखिए सारी मोबाइल पर थोड़ी मेरे हाथ में, तो इंशाल्लाह फिर हाथ से जिम जाके मुलाकात होती है। जी तो व्यूअर्स हम दोबारा आ चुके हैं एमए डिज़ाइनर पे, तो हमें कॉल आई थी अहमद भाई की, उन्होंने कहा था कि आपका सूट रेडी हो गया, तो जिम जाने से पहले तो हम इसलिए फिर अहमद भाई के पास आए हैं यहाँ पे अपना सूट लेने लोग ना, और अहमद भाई को कुछ उन्होंने बात भी करनी थी उस वजह से। ये है अहमद भाई एमए डिज़ाइनर के ऑनर। जी अहमद भाई मेरा सूट रेडी हो गया। अच्छा तो अहमद भाई ये मेरा अहमद भाई ने मेरा सूट रेडी कर दिया भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों बाद, लेकिन काम परफेक्ट करते हैं। बस वो मैं इनका कज़न भी हूँ ना, रिश्ते आपको गिनाऊँ तो आपने पर खुद परेशान हो जाना। तो ये देखें जी अहमद भाई ये ज़रा सूट सीधा करके हमें दिखाएंगे आप, मैं आपको अपना सूट दिखाता हूँ। ये देखें जी अहमद भाई ने मेरा सूट रेडी कर दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये अहमद भाई बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं यहाँ पे इनकी। अहमद भाई अपनी ज़रा दुकान का एड्रेस वगैरह बता दें जी, बिल्कुल मुस्तफाबाद गली नंबर 4 नाले वाला रोड, नाले वाला रोड
فیصلہ آباد. تو ویورس آپ بھی ضرور یہاں پہ وزٹ کیجیے گا, آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ اچھی سے اچھی مطلب کہ نا سلائی ملے گی, اچھی سے اچھی سلائی آپ کو ملے گی. تو باقی ان شاء اللہ فروٹ ایپل بھائی نے کر دی ہے, تو باقی ان سے بات چیت کرتے ہیں پھر آپ سے جم کے آخر کا میں باڈی بناتا ہوں تیرے لیے, میں انڈے چنڈے کھاتا ہوں تیرے لیے, میں بائک پہ آتا ہوں تیرے لیے. سجنوں دا سنتی ہے گانا لے لے بونس کا, بارہ لڑکے ساتھ گھومے تیرا بوائے فرینڈ کون سا, تیرا بوائے فرینڈ کون سا. میں ہوں تو بس سارا دن کی مصروفیات کے بعد اب آپ کو ہم گھر پہ ملے ہیں, تو اب جا کے کھاتے ہیں کھانا, تو پھر انشاءاللہ بعد میں ملاقات. جی ویورز آ جائیں کھانا کھا لیں, روٹی آلو مرغی پکی ہوئی ہے, تو جس جس نے کھانا ہے آ جاؤ, باقی میں تو کھانے لگا. اب بس میں کھانا چانا کھا کے اب تھوڑا سا کلونی میں واک کروں گا. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیجیے گا, آپ کو ڈیلی ایک نیو بلاگ سے ملیں گے. اللہ حافظ.